हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से आ जाइए, सभी एक बार कनेक्ट करेंगे। आई वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस के, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहाँ से ड्राइव हुआ था, ये सारा डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। कंजिकेटिव रिएक्शंस में हमने जब के बी का वैल्यू ग्रेटर माना था, ग्रेटर देन के ए सी, ये वाला केस जब किया था, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहीं से शुरुआत होती है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की। क्लियर है? अब आज हम बात करेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस के, क्वेश्चंस लगाएंगे एज वेल एज अरहेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस। अरहेनियस इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, एक मिनट। इसके अलावा आउटसाइड बैच फॉर लाइफ साइंस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं आप इनको, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स। और ग्रुप में मैंने आपको शेयर कर दिया है, ताकि आपको आइडिया हो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, टाइमिंग का आपको पता चले। ठीक है जी, चलिए जी, ऑलरेडी शेयर हो चुकी है क्लासें। चलिए देखिए, ये 29 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटसाइड बैच की, फिजिकल साइंस के लिए रिवीजन बैच कोर्स ऑन कॉमर्स 15 सितंबर से, तो ये जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं या फिजिकल साइंस के हैं, उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। केमिकल साइंस के बैच भी स्टार्ट है 15 सितंबर से, 23 सितंबर से। स्पेशल क्लासेज का मामला बहुत ज़ोरदार है। स्पेशल क्लासेज बोले तो फ्री क्लासेज। और आज पहला लेक्चर होगा अपना यहाँ एरोमेटिसिटी का, फ्री क्लासेज, बिल्कुल फ्री है। इनको देखने के लिए आपको सिर्फ BCAM10 कोड यूज करना है, और इनको आप अनलॉक कर सकते हो सभी क्लासेज को। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो एरोमेटिसिटी। आज पहला लेक्चर होगा एरोमेटिसिटी का, शाम को 6 बजे मिलेंगे एरोमेटिसिटी के साथ। स्पेशल क्लासेज में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं देखिए, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज, पोल, रेज हैंड का ऑप्शन, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप रिकॉर्डेड लाइव देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाते हैं। और आज जो पहला लेक्चर होगा उसका नाम है एरोमेटिसिटी, पहला लेक्चर एरोमेटिसिटी। वैसे तो बहुत लेक्चर हो चुका है, 100+ लेक्चर ले चुका हूँ, एरोमेटिसिटी का आज पहला लेक्चर होगा। इसके अलावा ये देखिए, ये वाले 14 पार्ट इसके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, क्लास 14, 14 क्लास कंप्लीट हो चुका है। लाइफ साइंस के क्लासेज अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है, जो पहले दूसरे चैनल पे हुआ करती थी। इसके अलावा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसका प्राइस मुनालोग हाइक कर सकता है बहुत जल्दी। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे फटाफट से, और BCAM10 कोड आप यूज कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट के लिए। और अगर इसके साथ ही हम बात करें तो स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसा कि आपको पता है, 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। अगर मैं प्लस की बात करूँ तो लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट एंड क्विज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, मतलब आपको लाइव क्लासेज के साथ साथ क्विज, टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस, ये बहुत जोरदार मामला है। किसी भी एक बैच के अंदर इनरोल होकर आप सभी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं। आपके पास टाइम होना चाहिए, बस शर्त ये है भाई, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप कितना भी वीडियो देखें, रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, जैसे देखें। आइकॉनिक के अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं आपको, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस वगैरह, ठीक है। और अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की बात करें तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और आज की क्लास का सुन लो, 6 PM एरोमेटिसिटी, आज SSA और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और अरहेनियस थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हमें लगाने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है, ये कितना है अपने पास, 10% डिस्काउंट इस पर आप पा सकते हो BCAM10 कोड यूज करके, ठीक है दोस्तों। इसके अगर अलावा हम बात करें प्लस आइकॉनिक पे, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, यहाँ भी आपको 10% डिस्काउंट BCAM10 कोड के साथ, क्लियर है। इसके अलावा ये आपको कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, EMI, कैश, ये सब आपको मिलता है। इसके अलावा बग्स बंटी, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको कहीं भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप प्राइज विन कर सकते हैं। अगर आप वन ऑफ द रिपोर्ट करने वाले हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, पसंद आता है तो। मामला चलते हैं पहले मामले की तरफ एकदम से जोरदार आज का।
अपना कंसेप्ट जल्दी जल्दी से आंसर देने आप सभी को। देखिए कल हमने ग्राफ के बारे में कुछ बात कर रहे थे, कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन अपना चल रहा था कल जब सेशन हमने एंड किया था, तो कुछ ग्राफ आपके सामने थे ये वाले। तो सबसे पहले ग्राफ से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आरहेनियस थ्योरी के कुछ ग्राफ्स जो बनेंगे जो लास्ट टाइम हमने नहीं किए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 2017 का आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं SS से, क्या था शॉर्ट लिविंग स्पीसीज इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नहीं होते हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही वो खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज है उनका रेट डी अपॉन डी टी क्या होता है, जीरो होता है, मतलब उनका चेंज नहीं होता। ये मैं तुमको बता चुका हूँ, लास्ट वाले लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको कन्फर्म याद होगा, नहीं है तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी से। जल्दी से एक बार इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर करें साहब। कल तीन मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, कल सिर्फ तीन फॉर्मूले बताए थे, वो आरहेनियस इक्वेशन से रिलेटेड थे। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि हमको डायरेक्ट, अगर मैं रेट की बात करता हूँ, रेट की बात यहां हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आई पूछ रहा है हमसे। अगर रेट पूछता तो हम क्या लिखते, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के टू आई। और हमको पता है कि जब भी रेट लिखते हैं तो उसके अंदर इंटरमीडिएट स्पीसीज को हम नहीं रखते, मतलब जो रिएक्शन के दौरान ही बना, रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो गया, उसकी कंसंट्रेशन को हमको निकालना पड़ेगा यहां से, मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह हमें आई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और इसने डायरेक्ट तुमसे क्या पूछ लिया, बस यही पूछ लिया कंसंट्रेशन ऑफ आई। रेट पूछता है तो यहां वैल्यू पुट कर देते थे हम, कैसे निकालोगे भाई साहब, बोलो जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकता हूं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का आज तक का, इसको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है ये, देखते ही आंसर बनना चाहिए, आंसर कीजिए भाई फटाफट से, आंसर कीजिए मुन्ना लोग जल्दी से, जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना लोग, फास्ट फास्ट आंसर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, फिर ऐसे सेशन का मजा नहीं आएगा, जल्दी से आंसर कर दो बस एकदम से, फास्ट, वेरी फास्ट। देखो भाई साहब हम लोग करते हैं सोल्व, देखो सबसे पहले मुझे पता चला कि सर सबसे पहले तो मैं इंटरमीडिएट को देख लेता हूं कि ए से आई बना और आई खत्म हो गया पी में कन्वर्ट हो गया, मतलब आई रिएक्शन के दौरान बना और रिएक्शन के दौरान ही वो क्या हो गया, एंड हो गया, मतलब रिएक्टेंट में मेरे पास ए था, प्रोडक्ट में मेरे पास पी था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसी स्पीसीज जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा रिएक्शन के दौरान बनती है, मीन शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, उन्हीं के ऊपर हम क्या लगाएंगे, SSA लगाएंगे। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या था कि उसका कंसंट्रेशन सेम रहता था, अगर तुमको याद हो तो मैंने ऐसे करके बताया था ए बी सी, ये स्टार्टिंग में 10 था, ये 0 थे, ये 9 था, फिर ये 1 था, ये 0 था, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 7 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो मैंने बीच वाले को ये बोला था तुमको कंसंट्रेशन सेम रहता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसका रेट डी अपॉन डी टी शॉर्ट लिविंग स्पीसीज का क्या होगा, 0 होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जितना मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ आई, भाई जितना बना जिस रेट से बना उसी रेट से क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसी रेट से बना उसी रेट से खत्म हो गया। मुझको क्या करना होगा, पहले मैं इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेता हूं, वो क्या होगा, तुम कहोगे सर डायरेक्ट ही K1A हो जाएगा, क्योंकि इसका बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, A की कंसंट्रेशन पे। और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या लिखोगे, K2I, और दोनों इक्वल है तो I का वैल्यू निकालना, बस इतना सिंपल क्वेश्चन था CSIR नेट दिसंबर 2017 का। अगर इस आई को निकालूंगा इधर है तो सिंपल सा है K1 upon K2, और इधर क्या हो जाएगा ए, आंसर सही आ चुका है, किसका है, अलीशा का, ठीक आ चुका है, ठीक है। तो यहां से आई का वैल्यू क्या आ गया, आई का वैल्यू आ चुका है मुन्ना K1 upon K2 A, आंसर 4। बोलो भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, 4 आंसर ठीक आ चुका है एकदम से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2013 का क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला गया है देखो सुनो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कंजुकेटिव रिएक्शंस,
कंजुगेटिव रिएक्शंस मैं करवा चुका हूँ डिटेल में तुमको, अगर लेक्चर्स लगातार देखे हैं तो तुमको पता होगा मैं इस पे पूरी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, इसके क्वेश्चंस भी लगा चुका हूँ। आपसे पूछा गया है कि अंडर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन SSA को आपको अप्लाई करना है टू द क्यू, इसने बताया दिया तुमको किस पे अप्लाई करना है, क्यू पे अप्लाई करना है, द वेरिएशन ऑफ पी, पी का वेरिएशन, क्यू का वेरिएशन और आर का वेरिएशन ग्राफिकली कैसे होगा। यहां आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन, यहां आपको दिया है टाइम, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास पी था, पी से क्यों बना, क्यों से आर बना, पी से क्यों बना और क्यों से आर बना, तो इनका कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेगा विद टाइम, ये आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा। वैसे तो मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूं कौन सा केस है, ये के बी ग्रेटर देन के सी वाला, के बी ग्रेटर देन के ए वाला, ये वाला केस मैंने आपको डिस्कस किया था अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे होंगे तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा एकदम से क्लियर कट। लिशा का आंसर ठीक आ चुका। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज समझो पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा इसको समझ लो डिटेल में। भाई मेरे पास ए था, ए से बी बना और बी से ऐसा पी क्यों लिख लेते हैं, पी क्यों, पी था, पी से क्यों बना और उससे ही से आर बन गया। लेट्स सपोज मेरे पास टाइम टी जीरो के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं पी लेके चला था, मान लीजिए उसका कंसंट्रेशन था 10 मेरे पास, और इसको मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टेंट ए था, ये कॉन्स्टेंट बी था, के वन और के टू बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, कुछ भी बोल दो। मैंने बोला टाइम टी जीरो के ऊपर क्यों बना ही नहीं था ना आर बना था, दोनों का कंसंट्रेशन जीरो, ये केस कब आता है। देखो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मैंने आपसे बोला था कब आपको सबसे पहले मिला था, हमारे पास दो केस हुआ करते थे, एक केस मैंने ये डिस्कस किया था के ग्रेटर देन के बी ओ, लेट्स सपोज के ग्रेटर देन बी ओ, इसका मतलब क्या था कि पी क्यू के अंदर बहुत इजिली कन्वर्ट हो रहा था बट क्यू आर के अंदर है बहुत स्लो हो रहा था, इसका मतलब ये क्या है कि पी से क्यू तो बहुत फास्ट बन रहा था और क्यू आर के अंदर बहुत स्लो बन रहा था। दूसरा केस मैंने आपको डिस्कस किया था कि के बी जो है वो बहुत ज्यादा है के ए से, इसका मतलब क्या था कि पी से क्यू बन रहा था स्लो स्लो, पी से क्यू बन रहा था स्लो स्लो बट जैसे ही क्यू बन रहा था वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिएक्शन क्या हो रहा था आर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, मतलब क्यू आर के अंदर ज्यादा फास्ट कन्वर्ट हो रहा था। इसी वजह से आपको अगर मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्रेस करूं तो मैं ये बोला कि टाइम टी जीरो के ऊपर इसका 10 वैल्यू था, इसका जीरो था, इसका जीरो था, जैसे ही टाइम टी इक्वल टू 1 हुआ मैंने कहा सर यहां 9 हो गया, यहां क्या हुआ 1, भाई टाइम 1 बना तो ये स्टार्टिंग में बना होगा उस टाइम तक ये जीरो था, जैसे ही टाइम बढ़ा ये इसका वैल्यू और घटा पी का वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो रहा 1, इधर क्या हुआ 1, इधर क्या हुआ 7, इधर 1, इधर कितना बनाया 2, 6, 1, 3, 5, 1, 4, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर तुम एक चीज देख रहे हो अगर सेकंड वाला स्टेप बहुत फास्ट है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट तो हम बीच वाले को आइसोलेट नहीं कर पा रहे, वो जितना बन रहा है उतना ही फास्ट क्या कर जा रहा है वो आर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो बीच के स्टेप में उसका कंसंट्रेशन क्या है सेम है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, जो इंटरमीडिएट ड्यूरिंग रिएक्शन बन रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन खत्म हो रहा है मतलब फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन इक्वल है, उसका कंसंट्रेशन आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आपने एक बात देखा होगा पी तो डिक्रीज कर रहा है सर टाइम के साथ, आर टाइम के साथ बढ़ रहा है सर, और क्यों क्या है कॉन्स्टेंट है, टी टाइम के साथ पी घट रहा है सर टाइम के साथ, घट रहा है सर पी टाइम के साथ, पी घट रहा है सर, पी वाला ग्राफ हमको कुछ नहीं बता रहा, पी का जो वैल्यू है वो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नोटेशन नहीं दे रहा। बट अगर मैं बात करता हूं किसकी क्यू की, क्यू की देखते हो तो पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यहां क्या हुआ है स्टार्टिंग में बढ़ा फिर कॉन्स्टेंट हुआ, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है फिर कॉन्स्टेंट हो रहा है। एक बात देखो यहां क्यू स्टार्टिंग में जीरो तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में और लास्ट में कुछ अलग वैल्यू होगी, बीच में पूरे रिएक्शन के दौरान क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। तो आप देख पा रहे होगे क्यू का वैल्यू कॉन्स्टेंट है अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा बढ़ा उसके बाद तो जितना बन रहा था वही क्या हो गया कॉन्स्टेंट, जैसे वन का वैल्यू स्टार्टिंग में था वही कॉन्स्टेंट हो गया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सी वाला, पी वाला लगातार घट ही रहा है, ये जब तक स्टार्ट हुआ उसके बाद ये क्या हो गया ऐसे, ये ग्राफ मैं ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला मामला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। बोलिएगा, बोलो साहब जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा मैंने तुमको इसका भी ग्राफ करवाया था जब के ग्रेटर देन के बी हो, मतलब पहला स्टेप ज्यादा फास्ट हो सेकंड स्टेप से, ऐसा ग्राफ मैं तुमको ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्लियर है ये वाली बात यहां तक की, यहां तक का मामला सबको क्लियर है, मुन्ना लोग जल्दी से बोल दो क्या यहां तक का मामला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी, जल्दी से आंसर लगाया जाए।
इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ये भी गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉम गेट, लिंक्ड क्वेश्चन था ये गेट का, गेट 2011 का लिंक्ड क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, डी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पूछा गया है, डीओटी इज। बोलिए भाई साहब, स्टेडी स्टेट अप्रोच रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ओजोन, O3 का डिफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा, जल्दी से आंसर करो फटाफट से, कैसे करोगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दो, रिप्लाई कर दो फटाफट से, फास्ट रिप्लाई कर दो एकदम से, कैसे करोगे, जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना लोग फटाफट से। बारिश बहुत तेज हो रहा है बाहर, जल्दी से आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट से। किसी का आंसर नहीं आ रहा है इसके लिए, करो भाई करो फटाफट से आंसर करो। देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, अगर रेट लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ओजोन का, ओजोन का, ओजोन का, बोलो यार, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। रेट लिख लो, रेट में ओ की वैल्यू पुट कर दो बस, रेट लिख लो, रेट लिख लो, लास्ट स्टेप से पहले तो रेट लिख लो, रेट लिखने के बाद क्या करोगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ओ का वैल्यू निकालो और ओ का वैल्यू पुट कर दो, ये तुमको दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिख लो पहले तो, क्योंकि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ओ टू का क्या हो जाएगा, ओ थ्री का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, अगर मैं रेट लिखता हूं रेट इज इक्वल टू, रेट क्या होगा तुमको पता है, रेट होगा माइनस का, अगर ओ थ्री के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो तुम क्या लिखोगे, माइनस वन बाय टू डिफॉर्मेशन लिखोगे तो माइनस वन बाय टू डी अपॉन डी टी कर लोगे ओ थ्री, और तुमको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है तो डिफॉर्मेशन में हम क्या नहीं लगाते, कॉन्स्टेंट नहीं रखते, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं रखते, तो ये टू इधर आ जाएगा, टू इंटू रेट आ जाएगा, और इधर मेरे पास क्या आएगा, माइनस डी ओ थ्री अपॉन डी टी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि मेरे पास जो रिएक्शन दिया गया है, पहले उसमें मैंने उसका रेट लिखा, रेट लिखा तो मैंने कहा माइनस वन बाय टू, क्योंकि इसके आगे कोफिशियंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट टू है, वन बाय टू माइनस का डी अपॉन डी टी, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब तुमको बताया कि ये तो होता है रेट, और मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन लिखना है तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट को हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसी टर्म को क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई, मेरे पास आ गया टू इंटू रेट, जितना रेट आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा ओजोन का। बोलो भाई साहब, इसको यहां सोल्व करना स्टार्ट किया जाए, तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक किसी भी मुन्ना लोग का, किसी भी मुन्ना लोग का आंसर नहीं आया, बताओ यार कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, जल्दी फास्ट आंसर करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई मुन्ना लोग। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मैं इसके लिए रेट लिखता हूं, रेट मेरे पास क्या होगा, रेट इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा के थ्री ओ एंड ओ थ्री। अब तुमको पता है कि सर मेरे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर ओ थ्री है और ओ टू है, मेरे पास ओ नहीं है सर, और रेट और लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अंदर मैं ओ लिख रहा हूं, तो मुझको पता है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन या इंटरमीडिएट की टर्म को हम फाइनल रेट रो में नहीं रखते, तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा, ओ का निकालना पड़ेगा, एस एस से अप्लाई करूंगा, एस एस से क्या कहता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ, ओ का फॉर्मेशन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ओ, जितना ओ बना होगा उतना खत्म हुआ होगा, इसीलिए वो ना रिएक्टेंट में था ना प्रोडक्ट में, ड्यूरिंग रिएक्शन बना, ड्यूरिंग रिएक्शन वो खत्म हो गया,
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, सबको बोलो जल्दी से। तो अब मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेता हूं पहले ओ का। तुमको पता है कि यहां ओ बन रहा है साहब, इसका बनना किस पे डिपेंड किया होगा, ओ थ्री पे और एम पे किया होगा, और के वन है तो मैंने क्या लिख दिया, के वन एम ओ थ्री। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एम ओ थ्री के इक्वल है। अब तुम क्या करोगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में तुमको पता है यहां ओ दिया हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां क्या होगा के टू आ जाएगा साहब, के टू के साथ क्या रहेगा, साथ में देखो ओ टू भी है, ओ भी है और एम भी है, तो क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन ओ, ओ टू एटम है साथ में एम है, ये मेरे पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। यहां भी तो डिफॉर्म हो रहा है ना, ओ से ओ थ्री बन रहा है, मतलब ओ खत्म हो रहा है, तो यहां भी क्या लिखेंगे, के थ्री ओ एंड ओ थ्री। अब इनको इक्वल करने के लिए मुझको क्या निकालना है, बेसिकली मुझको ओ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझको देख चुका हूं मैं कि जब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ओजोन, और जो कि मैं निकाल चुका हूं 2R, अगर मैं यहां से R निकाल लेता हूं, ये बेसिकली क्या है, R ही तो है, R मैं निकाल लेता हूं, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी का आंसर भी नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, पता नहीं तुमको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, मुन्ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई तो कर दो भाई साहब, कहीं मैं अकेला ही बोलता ही चला जा रहा हूं, तुम बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया मामला। तो अब देखो मेरे पास यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, इस ओ को मैं कॉमन ले लेता हूं सर, ओ को मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे क्या क्या बनेगा, के टू बनेगा, इधर से के टू के साथ ओ टू आएगा, साथ में एम भी आएगा, और अंदर क्या आएगा, के थ्री आएगा, और उसके साथ ओ थ्री आएगा, के थ्री आएगा ओ थ्री आएगा, और इक्वल टू मेरे पास क्या है, के वन एम ओ थ्री। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, इस वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, इस वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, इस वैल्यू को ऑक्सीजन का वैल्यू, ओ का वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये ओ का वैल्यू आएगा इंटरमीडिएट का, ये टर्म ऊपर आएगा एकदम से, क्या है मेरे पास के वन एम और साथ में क्या है ओ थ्री, और डिवाइड बाई क्या लिखोगे, सिंपल ये सारा टर्म इसके डिवाइड में ले जाओगे, क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है के टू ओ टू एम, प्लस में क्या है के थ्री ओ थ्री, के थ्री ओ थ्री, और इसी वैल्यू को अब मुझे यहां पुट करना है सर, एकदम से क्या करना है मुझे यहां पुट करना है, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं साहब, ये स्पेस खाली कर रहा हूं, देख लो भाई जिसको देखना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेगा वीडियो को रोक के, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर तुमने फाइनल देखो, गेट और नेट का कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं करके जाओगे, मैंने पहले भी बोला है कि लास्ट टाइम पे जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगा लोगे, थ्योरी तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि तुम जून के लिए तैयारी कर रहा था कोई, तो जनवरी से लगा हुआ है कोई, कभी से लगा हुआ, तो थ्योरी तुमने बहुत पढ़ा हुआ है, तुमको सब पता है, और नहीं भी पता है तो तुमको इतनी बात भी तो पता होगी ना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ा का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे तो भी बनेगा, ये ऐसे टॉपिक्स है जो बिना थ्योरी के भी किए जा सकते हैं। तो मेरे पास रेट था साहब ओ एंड ओ थ्री, और साथ में क्या था के थ्री था, मेरे पास के थ्री का वैल्यू तो यहां है, ओ की वजह मैंने यहां वैल्यू पुट किया, तो के वन एम ओ थ्री, और साथ में एक ओ थ्री पहले से ये वाला ऑलरेडी है, नीचे क्या आएगा के टू ओ टू एम प्लस के थ्री ओ थ्री। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं जैसे एग्जामिनर ने लिखा होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो नीचे वाले में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया हुआ, देखो के टू है एम है के थ्री है ओ थ्री है, के टू है ओ टू है एम है के थ्री है ओ थ्री है, क्लियर है। उसके बाद यहां देखो यहां क्या लिखा हुआ है के वन के थ्री ओ थ्री का स्क्वायर, तो यहां इन्होंने क्या किया ये दो के ओ थ्री है, तो इसको तुमने सिंपल ऐसे लिख दिया के थ्री के वन एम ओ थ्री का स्क्वायर, क्योंकि दो है तो स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे वाला पोर्शन एज इट इज सेम रहेगा। बोलो यहां तक मामला क्लियर है क्या मुन्ना लोग, बस अब ये हमारे पास क्या आया है आर का वैल्यू आया है, ये मेरे पास सिंपल आया है रेट, और मुझको क्या निकालना है, मुझको क्वेश्चन में कुछ अलग ही पूछा गया है सर, मुझे तो ओ थ्री का डिफॉर्मेशन पूछा गया है जो कि मैंने बोला था 2R के इक्वल है, तो इसको तुमसे 2R करने के लिए जो चीज निकालनी है उसको 2R से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर देख लीजिए ए आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी से बोलो भाई साहब क्या ए आंसर सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा, रिप्लाई करेंगे सभी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2011 का, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तुमको,
गेट 2011 का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुन्ना लोग जल्दी से बोलो, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट से। गेट 2011 का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुमको, आंसर निकल गया क्या? नहीं निकला तो एक बार अलग से फिर से ट्राई करना, नहीं समझ आए तो फिर सॉल्यूशन दोबारा देखना। बोलो भाई साहब, बोलो अरे बोलो जल्दी से रिप्लाई तो करो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला एकदम से, मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, अगर मामला क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गेट 2016 का क्वेश्चन है, गेट 2016 का क्वेश्चन है ये भी। वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 10^5, के वन का वैल्यू तुमको दिया गया है 10^5, दूसरा वैल्यू दिया है के टू का वैल्यू तुमको दिया गया है 10, और के वन माइनस वन का वैल्यू, ये के माइनस वन का वैल्यू आपको दिया गया है 10^4। और आपसे पूछा गया है इफ द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड ऑन आई, आई पे अप्लाई कर रहा है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ऑब्जर्व्ड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या आएगा? बोलिए जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, एक बार जल्दी आंसर करो भाई फटाफट से, क्या आएगा आंसर? रिप्लाई किया जाए, रिप्लाई किया जाए मुन्ना लोग जल्दी से, आंसर करो, आंसर आंसर किया जाए, आंसर किया जाए, करो भाई मुन्ना, करो 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 जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो तुमको मैंने बोला था चाहे तुम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कर लो, चाहे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला लगा के कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, क्योंकि यहां हमसे वैल्यू पूछ रहा है। अगर तुमसे जैसे नेट में क्वेश्चन किए थे हमने, वहां फ्रैक्शनल और वन लाइनर ऑप्शन आता है, तो मैंने तुमको बताया था फ्रैक्शन में आ रहा है तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के किया हुआ है, अगर तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा के करवाया तो वन लाइनर आएगा, बट वैल्यू जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, ऐसी बात हम कर चुके हैं लास्ट टाइम। जल्दी से आंसर करो बस, अब तुमको यहां तुमको के का वैल्यू निकालना है, बस एक जो ऑब्जर्व कॉन्स्टेंट है वो निकालना है, ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट। जल्दी आंसर करो भाई, कैसे करोगे क्या आएगा? शुभ साकाल, शुभ साकाल, शुभ संध्या, बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सो होबे, सो होबे, सुनील बोल रहा है सो होबे, बहुत फास्ट आंसर दे दिया सुनील रे। पिछला क्वेश्चन था जबरदस्त, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। देखो भाई मेरे पास क्या है, मैं अगर रेट लिखता हूँ, रेट लिखूंगा तो तुम डायरेक्ट ही बता दोगे सर डीपी और डीटी क्या हो जाएगा, मेरे पास के टू आई हो जाएगा, के टू आई हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप है, इक्विलिब्रियम वाला स्टेप फर्स्ट होता है। के इक्विलिब्रियम क्या होगा इस स्टेप के लिए, के इक्विलिब्रियम तुम बोलोगे सर के वन अपॉन के माइनस वन, और के वन अपॉन के माइनस वन करोगे तो आई लेफ्ट राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर है? यहां से तुम आई का वैल्यू निकालो, क्योंकि रेट के अंदर आई का वैल्यू है और आई क्या है इंटरमीडिएट है, तो उसका तो हम वैल्यू रखेंगे नहीं, तो आई का वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया साहब, आई का वैल्यू क्या आ गया के वन अपॉन के माइनस वन, और इनटू में क्या आ जाएगा ए और बी। यहां तक की बात क्लियर है, बस इस वैल्यू को तुमको यहां पुट करना है, क्या बनेगा के टू के वन के माइनस वन और ए एंड बी, और यही क्या है ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट है, बस वैल्यू पुट कर दो, के टू का वैल्यू पुट कर दो, के वन का वैल्यू पुट कर दो, के माइनस वन का वैल्यू पुट कर दो, यही तो पूछ रहा है। के टू का वैल्यू कितना है 10 है, और के वन का वैल्यू कितना है 10^5 है, और के टू का वैल्यू कितना है 10 है 10^4 है। बोलो भाई साहब, तो 4 से ये कटेगा 10 पे, तो 10 × 10 कितना बनेगा 100। बोलो यार ये वैल्यू कितना आएगा 100। कितने लोगों को क्लियर हुआ गेट 2016 का ये क्वेश्चन, कैसे भी किया जा सकता है? संध्या नहीं हुई अभी सर, हाँ मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग बोल दिया था बाद में मैंने इंग्लिश में, ठीक है मैंने बोल दिया था, फिर मैंने फिर यही बोल दिया था। बोलो हो गया भाई ये क्वेश्चन क्लियर सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। तो देखो एक बात सुनना, हमने ये एक बात की थी, मैंने वो आपको बताया कि अगर तुमसे जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे, आपको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शन में आया हो आंसर आपका,
जैसे आपसे रिलेशन ड्राइव करवाता है कि कौन सा स्टेप सही है कौन सा सही है, तो आपको जैसे यहां इसने बोला स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैंने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट किससे कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, क्योंकि ये अपने लिए इजी पड़ता है थोड़ा सा, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होता। तो अगर तुमसे ऐसा रिलेशन पूछे तो तुमको वही लगाना है जो पूछा है, क्योंकि अगर वन लाइनर आ रहा है आंसर, अगर वन लाइनर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब उसने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं इक्विलिब्रियम से निकाला है, और अगर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और यहां तो हमको कोई दिक्कत नहीं है चाहे फ्रैक्शन में आए, क्योंकि यहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके और क्या निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? तो यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन। आ जाओ भाई आरहेनियस इक्वेशन पे आ जाओ, कल वाले फॉर्मूले आरहेनियस इक्वेशन। तीन फॉर्मूले मैंने तुमको कल बताए थे, कल मैंने तुमको तीन चार फॉर्मूले बताए थे, उसी के बेस पे तुमको आंसर देना है। d अपॉन एल एन के अपॉन डी टी, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, एक तो ये किया था हमने, क्लियर है ये वाला। एक हमने क्या किया था, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सेकेंड फॉर्मूला मैंने ये याद रखने को बोला था तुमको। बोलो यार कितने लोगों को क्लियर है ये वाली बात? ये फॉर्मूले कल मैंने करवाए थे, स्क्रीनशॉट लेने को बोला था। तुमको टाइम है कि नहीं है स्क्रीनशॉट का वो नहीं पता, अब ये हमको नहीं पता तुमने स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं लिया था। एक फॉर्मूला और बताया था तुमको, जिसमें इंटीग्रेटेड वैल्यू लेके निकलवाया था मैंने, क्या लेके निकलवाया था, वैल्यू लेके निकलवाया था लिमिट का वैल्यू लेके, जिसको मैंने बोला था एल एन के टू अपॉन के वन ई का ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। ये तीन रिलेशन मैंने बोले थे आरहेनियस इक्वेशन के लिए आपको याद रखने के लिए। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर का आरहेनियस का इक्वेशन और आता है, वो अभी तक तुमको नहीं करवाया, उस पर एक बार सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब तुमसे पूछा है कि इसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोल दो। सुनील बोल रहा है ए होवे सर, खेला होवे ए होवे, बिल्कुल करो भाई ट्राई करो। सारे दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, प्रीति का और सुनील का। देखो भाई ये वाला ग्राफ है सिंपल, और एल एन के का पूछ रहा है अपने को, तो यहां मैं एल इसका लोग जैसे नेचुरल लोग ले लेता हूँ, लोग लूंगा। क्लास ही नहीं ली थी सर? हाँ तुम कहाँ लेते हो क्लास, ठीक है क्लास कहाँ लेते हो तुम। तो इसका एल एन के बनेगा, एल एन ए बनेगा, प्लस का एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बनेगा, एल एन से ई कटेगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस, ये बार माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये पावर बचा हुआ है, माइनस का ई ए अपॉन आर टी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू वन बाई टी प्लस एल एन ए, और ये क्या है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लीनियर इक्वेशन है ग्राफ का, क्या है लीनियर इक्वेशन। तो इस पर जब तुम प्लॉट करते हो तो कुछ, अरे कहाँ गया रे मुन्ना, अगर जब इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वाई यहाँ एक्स, और y की जगह ये दिया हुआ है ln x, क्या दिया हुआ है ln x, y की जगह क्या है ln k, और यहाँ नीचे क्या है 1 by t, और तुमको पता है ये क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यहाँ कहीं होगा, और स्लोप कैसा है नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ये लीजिए साहब ln k डिक्रीज लीनियरली विद 1 by t। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला मामला, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई तुमको, एकदम क्लियर। देखो तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी आता है नहीं आता है, फिजिकल केमिस्ट्री तुमको मुश्किल लगता है, अगर तुमने इस तरीके से क्वेश्चन भी कर लिए ना तो तुम क्वेश्चन इजीली लगा लोगे, मैं बोल रहा हूं। अगर तुमको ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी पता हुए ना यार, इतने तो रट ही सकते हो ना तुम, नंबर तुमको कोई बता दे, नंबर दे देना तुमको कोई, तुम एक मिनट में याद कर लेते हो, ठीक है। तो यहां तुम ये मामले क्या कर लोगे एकदम से, तीन तीन फॉर्मूले याद रखने तुमको, कल भी मैंने याद करने को बोला था, आज भी तुमको याद करने को बोला है, ठीक है आगे बात समझ में। तो तीन फॉर्मूले रटोगे किसके लिए, आरहेनियस इक्वेशन के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ कल किया था, एक दो ग्राफ आज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, ये क्लियर है ना सबको क्वेश्चन, अभी तीन ग्राफ और जबरदस्त तीन ग्राफ बचा हुआ है, वो तो करना भी बाकी है, लास्ट में करेंगे वो तो, पहले क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगा दिया जाए, लो भाई आ गया आंसर फिर से, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने।
फिर से आर इनियस का ही है, दिसंबर 2016 का आंसर है। रिएक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट 8600 केल्विन एंड 300 केल्विन, K60 अपॉन K 300 आपको निकालना है, इज अप्रोक्सीमेटली बताना है भाई साहब, कोई तुमको ज्यादा वो नहीं बताना, ना एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हें एकदम करेक्ट बता दो, ठीक है। वो कह रहा है थोड़ा आसपास का ही बता दो, इतने में हम तो खुश हैं, थोड़ा सा आसपास का मामला ही बता दो, इतने में हम खुश हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है भाई साहब, फॉर्मूले मैंने अभी जो बताए हैं उन्हीं में से यूज होंगे, इसमें फॉर्मूले मैंने तुमको जो तीन लिखवा दिए हैं वही यूज होंगे, तीन फॉर्मूले फिर लिख लो। K इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, फॉर्मूला नंबर टू डी एल एन के अपॉन डी टी ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, थर्ड वन एल एन के अपॉन के वन अपॉन के टू कर लीजिए, या साथ में क्या था अपने पास ई ए अपॉन अरे टी टू माइनस टी वन, साथ में क्या था एल एन ही था क्या, एल एन ही था क्या भाई साहब, देख लो यार कहाँ गया फॉर्मूला, क्वेश्चन ही कहाँ गायब हो गया, ई ए अपॉन आर था, कौन सा क्वेश्चन था भाई, अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, यही था, लगाओ अब जल्दी से। तुमको ये तो पता चल रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो दो टेम्परेचर दिया हुआ है तो दो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा दो जल्दी से आंख बंद करके, खुली आंख में तो तुमसे लगेगा नहीं। डी आंसर भी आ गया भाई साहब, नंबर याद नहीं आते सर बट ये बिना रटे याद रहता है, ये बिना रटे याद है, बढ़िया है। फिर तो चेयर नीचे क्यों जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है, कहाँ परेशानी है, हरी चटनी के साथ समोसे की जरूरत है, इसकी भी कृपा रुकी हुई है। चलो भाई करें जाए, किया जाए स्टार्ट, दो ही आंसर आए हैं मेरे पास, सिर्फ मेरे पास दो आंसर आए हैं, दोनों आंसर के अकॉर्डिंग तुम मामला तुम्हारा सही चल रहा है। लो भाई एल एन 600 अपॉन 300, क्लियर है। इसके अलावा तुम्हारे पास वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोल्व करना है तुमको, ई ए का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 498.8 डिवाइड बाय आर का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 8.3 जूल, ठीक है। और साथ में तुम्हारे को जो वैल्यू दिया हुआ है टी टू और टी वन का, टी टू और टी वन का वैल्यू पुट करना है, सिंपल 600 माइनस 300 अपॉन 600 इंटू 300, सोल्व किया क्या आएगा बोलो यार, क्योंकि ये तो निकालना है, एल एन के है, ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है तुमको, ये तो निकालना ही है, अरे ऐसे लिख लेना इसको के 60 और के 300, ठीक है। और ये निकालना है तो इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये कटेगा सारा, के 600 अपॉन के 300 बचेगा, और इधर ये सारा मामला ई की पावर में चला जाएगा अगर तुमको पता है तो। इसको सोल्व करोगे तो कैसा आएगा, देखो यहाँ जूल में है यहाँ किलो जूल में है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, जूल और किलो जूल में है तो जूल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और कर लो इसको साथ में, सारा जूल में आ गया मामला। अब नीचे भी जूल, अब जो टर्म है जूल पर केल्विन पर मोल वो कट जाएगा नीचे से, पर मोल पर केल्विन वाला मामला, केल्विन यहां से कट जाएगा, केल्विन यहां से कट जाएगा, इसका इसका क्या है जूल पर मोल पर केल्विन है, और यहां मेरे पास क्या हो गया जूल पर मोल, जूल पर मोल से जूल पर मोल चले जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, बोलो रे, बोल दो रे भाई साहब, बोल दो यार। और इसको सोल्व कर लेना भाई, 10 वैल्यू आएगा, और जो तुम आंसर दे रहे हो e की पावर 10, ये कैसे हुआ, जब इसको लोग लिया तो इसका भी एक्सपोनेंशियल लिया होगा, तो ये e की पावर क्या होगा 10 होगा, और इधर ये ln से e कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इधर ln है तो कट जाएगा, इधर e की पावर 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू e की पावर 10, सिंपल क्वेश्चन था, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है सबको एकदम से, क्वेश्चन क्लियर हुआ है ये दिसंबर 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, जून 17 का, राजस्थान रीट वासी है ये, रीट में देखा तुमने, रीट का मामला, चौबीस
चप्पलों में ले गए वो डाल के, क्या कहते हैं उनको, सेंसर वगैरह लगा कर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर दीजिए भाई इसका, जून 17 का क्वेश्चन है, इसका आंसर करो फटाफट से। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपसे बोल रहा है आर इनियस इक्वेशन का, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ आर इनियस इक्वेशन। आपको ये दिया गया है, वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट इज एक्सट्रीमली हाई, टेम्परेचर विल बी क्लोज टू। जल्दी आंसर कीजिए। ये ब्लैक इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहां इसका सॉल्यूशन था जो कि तुमको दिखाई ना दे। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मिल गए क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को। करो भाई आंसर करो जल्दी से, कोई आंसर भी दो, दो बिछड़े हुए मुन्ना मिल गए एमएससी के, कितना खुशी हो रहा है देखो इनको। कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे उसी टाइप से, एमएससी के बाद बिछड़ गए थे। चलिए जी करो भाई आंसर करो यार फटाफट से, आंसर दो आंसर। कहता प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सर मेरी क्लासमेट मिल गई, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। ढूंढने पे भगवान मिल जाता है, तुमने ये कहावत सुनी है ना, बस वही बात है। जल्दी से आंसर करो यार, ए आ रहा है, ए आ रहा है। सुनो देखो भाई, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, फॉर्मूला लगाना है सिंपल बस। ठीक है, तो यहां से अगर तुम बात करेंगे, अपने को क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के बताना है अपने को, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आर इन एस इक्वेशन में कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 12 पर सेकेंड, और एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर बोले तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, T tends to infinity, ठीक है। हेलो तोसिक, तो यहां हम बोलेंगे सर e की पावर e a अपॉन इन्फिनिटी, किसी की पावर, किसी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो नंबर बनेगा जीरो, नंबर क्या बनेगा जीरो, a e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो क्या बन गया जीरो बन गया, और किसी की पावर जीरो क्या होता है वन होता है, किसी की पावर जीरो क्या होता है वन होता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल की हो किसी की हो। तो तुमको पता है कि सर के इज इक्वल टू ए ई की पावर जीरो, और जीरो बन गया तो ये वन बन गया, के इज इक्वल टू ए हो गया। ये था जून 2017 का क्वेश्चन सीएसआईआर नेट का, हुआ क्लियर ये वाला मामला, ए इज द राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है ए, तो सिर्फ का ए आ चुका है। चलिए जी क्लियर है ना ये क्वेश्चन सबको एकदम, नेक्स्ट लगाया जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आज बड़ा मामला, यहां ये सारा सॉल्यूशन है, ये पेपर से क्वेश्चन डाला है तो एकदम से, ये टिक भी मैंने ऐसे किया। देखो आपको क्या बोला गया है, के वन और के टू दिया हुआ है, के वन और के टू दिया गया है, पहला ऑप्शन तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं, जल्दी से आंसर कर दो, K1 अपॉन K2, A1 अपॉन A2, और यहां क्या लिखा हुआ है, कंडीशन तुमको क्या दी गई है, कंडीशन में तुमको बोला है कि E1 ग्रेटर देन E2, बस आंसर करो साहब क्या होगा जल्दी से। आर इनियस इक्वेशन जून 2017 में दो क्वेश्चन आए थे, दोनों आर इनियस से आए थे, दोनों क्वेश्चन कहां से आए थे, आर इनियस से आए थे। सुनील ने गलत कर दिया आंसर जल्दबाजी में, मेल ने आंसर जल्दबाजी में गलत कर दिया है, जल्दी बताओ भाई।
बोलो। आज एरोमेटिसिटी का पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। तो सिप ने भी गलत कर दिया, प्रीति ने भी गलत कर दिया जल्दबाजी में। बाकी बोलो, बाकी लोग बोलो भाई जल्दी से। इस टिक लगे हुए को मत देख के देना ये आंसर, ये जो टिक लगा हुआ है ये। करो भाई दोबारा ट्राई करो, गलत किया तुमने तो। बाकी लोग करो, जो जितना देख रहा है सभी आंसर करेगा, और जिसको फिर भी कॉन्फिडेंस है दोबारा कमेंट कर दे कि सर हाँ मेरा तो ठीक है, यही होगा। कोई किसी को देख के आंसर नहीं देगा। प्रीति ने चेंज कर दिया अपना आंसर, बी बोल दिया प्रीति ने। यही तो बात है, यही तो बात है मुन्ना। चलो भाई सोल्व किया जाए क्वेश्चन को, बात सो है जो है, क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास सर K1 है, A1 है, e की पावर E1 बाय RT है। दूसरा मेरे पास K2 है, A2 है, e की पावर E2 बाय RT है। और मुझको क्या बनाना है, K1 बाय K2 या A1 बाय A2। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनको डिवाइड कर लेता हूँ। पहले तो इसको ऐसा बना लेता हूँ, इसी इक्वेशन को, K1 बाय A1 इज इक्वल टू e की पावर E1 बाय RT। और इसको क्या बना लेता हूँ, K2 बाय A2 और e की पावर -E2 बाय RT। बोलो ठीक है यहां तक, किसी को कोई डाउट है? डिवाइड कर देता हूं दोनों को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइड 1 और 2 को डिवाइड करता हूं। तो K1 बाय A1 डिवाइड किया किसको, K2 बाय A2। क्लियर है? इसको मैं कैसे लिखता हूं, K1 बाय A1 इंटू में क्या आएगा, K2 इंटू A2 ऊपर चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए मुन्ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए मुन्ना। जल्दी से बोलो भाई साहब, जल्दी फटाफट से बोल दो, अब फटाफट से एक बार जल्दी से। अब क्या करना है, अब मुझे इसका, मुझको ये पता है कि इसको मैं अगर एक टर्म में लिखता हूं, इस पूरे को तो एक साइड रख लेते हैं बस, इसका कोई काम नहीं है। अब अपना ये कोई काम नहीं है, इस टर्म को मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, इस वैल्यू को। मैंने कहा ऊपर मेरे पास क्या है, ई की पावर -E1/RT है, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर प्लस का e2 बाय क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। ये बात किस किस को क्लियर हुई भाई, इसको मैं टर्म को ऊपर लेके गया तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो यार। ना अभी थोड़े दिन ही, अच्छा कुछ अपना ही बात चल रहा है क्या ये तो। ए ही होगा सर, चेंज हुआ था फिर बी ए, फिर ए आ गया दोबारा। चलो भाई हाँ ए ही होगा, सबका ए ही आ रहा है तो ए ही होगा। अब मुझे अकेले को थोड़ा ना अलग जानना है। अब देखो कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अब तुमको क्या करना है, देखो बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम है पावर को ऐड कर देंगे। किसी का बेस सेम हो तो, किसी का बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पावर क्या करेंगे, देखो 1/RT दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, 1/RT दोनों को कॉमन ले लिया, E1 माइनस प्लस E2। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब तुम देखो इधर तुम्हारे पास क्या है, K1 A2 है और K1 A1 है। अब मुझको एक बात बताओ कि यहां तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको ये बोला गया है कि E1 जो है वो ग्रेटर देन है E2 है। E1 क्या है, ग्रेटर देन E2 है। यार ये गलत कर दिया क्या कुछ मैंने, कुछ गलत हुआ है क्या? अगर E1 ज्यादा है E2 से तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव में आएगा, ओवरऑल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोलो यार कुछ गलत हुआ है क्या, K1 अपॉन K2 या A2 है या K1 है या K2 है, क्या कुछ कोई गड़बड़ किया है क्या हमने? ओवरऑल हमको क्या देखना था, K2 बाई K1। अच्छा K2 बाई K1 किया होता तो कुछ चेंज हो जाता क्या, K2 बाई A1 इंटू K1 अपॉन A2। अगर ऐसे किया होता तो क्या कुछ चेंज हो जाता,
e की पावर e2 बाई आर टी बन जाता। क्या बोला गया था, इक्वेशन इफ द इक्वेशन के टू आर ग्रेटर देन के वन, के वन बाई के टू। एक मिनट रुको भाई, दोबारा सोल्व करते हैं। इस टाइप से तुम्हारा आंसर आ रहा है। अगर ये इवन ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो ये माइनस बन जाएगा पूरा टर्म, पूरा टर्म तो माइनस का बन जाएगा ये। और ये अगर पूरा माइनस का बन गया तो ये वैल्यू माइनस में आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में आएगा तो इधर क्या दिया हुआ है मेरे को, के वन अपॉन ए टू और के टू अपॉन ए वन। क्लियर है ये वाली बात, ये नेगेटिव में टर्म है। अब तुमको कैसे करना है, के वन देखो ये तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही है, क्योंकि K1 और K2 क्या है, साथ साथ नहीं है ना, प्लस में है, ये दो तो कैंसिल ही हो गए। अब बचे मेरे पास K1 by K2 और K2 by K1। तो एक बात तो मुझे साफ साफ पता है कि जहां K1 आएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, दूसरा जाएगा। अगर यहाँ K1 होगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, अगर देखो, अगर तुम्हारे पास, अगर सिंपल देखो तुम, अगर तुमको यहां से भी डाउट लगे तो ऐसा देख लो, अगर मैं यहाँ K1 by K2 रखता हूं तो दूसरी साइड जो जाएगा वो क्या बनेगा, K1 upon K2 बनेगा। मतलब एक के साथ वन के सामने वन आएगा, टू के सामने टू आएगा, ये बात कंफर्म हो रही है तुमको, वन के सामने वन आएगा, टू के सामने टू आएगा। और अगर माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो ओवरऑल साइन माइनस का प्लस होगा, क्योंकि इधर ओवरऑल नेगेटिव बनेगा ये वाला। क्योंकि अगर तुम पहले इसको जो पॉजिटिव वाला जो बड़ा वैल्यू है इसको ऊपर रख लेते तो तुम्हारे पास सिंपल वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का साइन आएगा तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं यार, बोल दो यार, तुम बताओगे तभी तो मामला पता चलेगा ना। तुम्हारा आंसर सबका सही आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, सुनील का भी ए आया है, तोसिफ का ए आया है, प्रीति का ए आया है, बाकी कुछ अपनी बातें चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं है, थोड़े दिन हुए हैं स्टार्ट की, यस कुछ नहीं, ओके है। बोल दो यार अपना भी जवाब दे दो कि मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन का मेथड समझ में आया कि नहीं आया। बस एक तो इस वैल्यू का यूज करना था और एक क्या करना था, ये जो अपने को वैल्यू दिया हुआ है इनको आपस में डिवाइड करना था। फाइनल ओवरऑल अपने को ये दो फैक्टर तो तुम्हारा देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि K1 और K2 बाय में आ रहे हैं अपॉन में, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं आ सकते, प्लस में भी नहीं आ सकते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोलो यार। अब दो ग्राफ बनाओ, फिर एक क्वेश्चन और लगाना है। दो ग्राफ बनाओ पहले तो, ग्राफ तुमसे मैं पहला ग्राफ पूछ रहा हूँ, ग्राफ नंबर वन, ग्राफ नंबर वन, डी अपॉन डी टी एल एन के साथ वर्सेज टी स्क्वायर के साथ। पहला ग्राफ तो ये बता दो मुझको कैसा बनेगा, डी एल एन के वर्सेज टी स्क्वायर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, और एक बता दो डी अपॉन डी टी एल एन के का वर्सेज वन बाई टी के साथ। दो ग्राफ, तीसरा ग्राफ और बता दो एक, ये तो कल मैंने करवाया भी था तुमको तीसरा ग्राफ, तो डी अपॉन डी टी एल एन के और साथ में इसका कर दो वर्सेज वन बाई टी, वर्सेज टी करो, ये कल किया था, ये वाला कल वाला ग्राफ है वर्सेज टी। तीसरा ग्राफ हो गया ये आरएमएस इक्वेशन का, तीन ग्राफ आ गया, और एक ग्राफ और लिख ले छोटा सा कोई, जल्दी से करो भाई फटाफट से। एक तो आ गया पेपर में, आ गया एल एन के वर्सेज वन बाई टी वाला, ये तो पेपर में आ गया, इसका तो क्वेश्चन ही आया हुआ है, ये तो तुमने किया है आज के ही लेक्चर के अंदर ये वाला, तो एल एन के वर्सेज वन बाई टी वाला। तो जल्दी बोलो, अब तीनों के ग्राफ बना लोगे, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट अपना ग्राफ बना लो, फिर कंपैरिजन कर लेना कि हमारा सही बना है कि गलत बना है। जल्दी से अपने अपने ग्राफ बना दो, लाइक ठोक दो यार सारे एक बार, जो मुन्ना भूल गया है लाइक करना वो लाइक कर देगा एक बार वीडियो को, जो मुन्ना लाइक करना भूल गया है वो लाइक कर देगा एक बार वीडियो को फटाफट से। बोलो, देखो कल मैंने तुमको एक ग्राफ करवाया, पहले ग्राफ में किसी को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है ना वो कुछ ऐसा है, पहले तो तुमको फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी अपॉन डी टी एल एन के ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास। फॉर्मूला में तुमको तीन फॉर्मूले लिखाए हैं, तीन फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, इस फॉर्मूले के ऊपर ये सारे ग्राफ जो तीनों ग्राफ है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। करो भाई आंसर जल्दी से, ग्राफ नंबर ए बी सी तीनों कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा ये ग्राफ, बोल दो मुन्ना, बोल दो मुन्ना, बोलो यार जल्दी से ट्राई करो, ये बोल दो कि यस सर हमारा हो गया है, तो हम ग्राफ बनाया जाए फिर हमारी तरफ से, जल्दी से बोल दिया जाए मुन्ना, बोलो मुन्ना, बोलो 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 बोलो,
फास्ट फास्ट बोलो मुन्ना, क्या क्लियर है ये वाली बात? चलो भाई देखा जाए ग्राफ पहले को। देखो पहला ग्राफ अगर तुम देखने जाओगे तो लेट्स सपोज मैं ऐसे मान लेता हूं इट इज वाई और ये मेरे पास ई ए अपॉन आर टी है और नीचे क्या है मेरे पास है एक्स स्क्वायर है। क्या मेरे पास है ई ए अपॉन आर टी और इसके साथ नीचे क्या है एक्स है। ऐसा ही मान सकता हूं मैं एक्स एक्स स्क्वायर मान लो डिग्री आ गई क्या। चलिए दी देखो अब देखो अगर मुझको वाई और एक्स ऐसी इक्वेशन तुमको दी हो और तुमको ग्राफ बनाना हो तो तुमको साफ साफ नजर आ रहा है वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर के साथ ग्राफ बना रहे हो मतलब यहां वाई रख रहे हो यहां एक्स स्क्वायर रख रहे हो। तो मैं इसे लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सारा कॉन्स्टेंट है तो इधर इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है। तुम एक बात देखो अगर मेरे पास वाई वाई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट के इक्वल है भाई ये वाला और ये फैक्टर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में जा सकता है, ये टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में जा सकता है और ये वाला फैक्टर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक ये बात क्लियर है? तो अब ग्राफ ऐसा है कुछ, देखो तुमको एक बात पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहां कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेट्स सपोज मैंने 50 मान लिया, कल भी 50 ही माना था मैंने, क्या मान लिया 50 मान लिया। तुम एक बात बताओ कि मैं यहां वैल्यू y की रख रहा हूं, यहां किसकी रख रहा हूं एक्स स्क्वायर की रख रहा हूं, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 10 है, ये इक्वल टू 50 है, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का घटेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का घटेगा, वाई का बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू घटेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुमको? तो ये डिक्रीज होगा, ये वाली वैल्यू क्या आएगी डिक्रीज आएगी, ऐसे ग्राफ ऐसा आएगा ना, ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है कि नहीं ये वाली बात? अगर मैं इसी ग्राफ में इसके बारे में बात करता तो देखो क्या होता, अब मेरे पास फिर से वही केस बनता, यहां भी वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स, वन बाय एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास देखो फॉर्मूले में तो एक्स स्क्वायर है, मुझको ग्राफ किसके विद रिस्पेक्ट बनाना है एक्स के रिस्पेक्ट बनाना है वाई। अब यहां तुम अगर ऐसे देखोगे तो तुम ये कहोगे वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं एक बात कह रहा हूं कि मुझे वैल्यू तो एक्स की बढ़ानी है, वैल्यू तो मुझको एक्स की बढ़ानी है। अब मेरे पास यहां वैल्यू एक्स की वन है, यहां मेरे पास वैल्यू टू है, यहां थ्री है, यहां फोर है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर वाई के साथ एक्स स्क्वायर है, वाई के साथ एक्स स्क्वायर है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वही सेम है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वही के सेम है 50 का। मान लीजिए तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू क्या था 1 था, वाई इज इक्वल वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास 1 था मतलब इसका वैल्यू 50 था, ये बात सबको क्लियर है ना। अब मैंने देखो एक्स का वैल्यू बढ़ाया 1 से 2 कर दिया, एक्स का वैल्यू मैंने बढ़ाया 1 से क्या कर दिया एक्स का वैल्यू 2 कर दिया, यहां फैक्टर कितने से बढ़ेगा, क्या ये 2 ही होगा? अगर तुम यहां 2 तो लिखते तो ये 25 होता, बट तुम्हें पता है कि जब तुम एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे तो यहां जो फैक्टर बढ़ेगा वो एक्स की स्क्वायर की टर्म में बढ़ेगा, मतलब यहां वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा। जब तुमने यहां एक्स 1 से 2 किया, इस एक्स एक्सिस पे तुमने वैल्यू 1 से 2 बढ़ाया, तो यहां एक्स स्क्वायर का यहां वैल्यू किस में बढ़ेगा, स्क्वायर की टर्म में बढ़ेगा, क्योंकि तुम यहां तो एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास तुमको पता है कि सर यहां 2 ना होकर क्या होगा 4 होगा, और 4 होगा तो तुमको पता है ये कितना हो जाएगा अराउंड अराउंड 16, कितना 13 के आसपास, अराउंड अराउंड 13। तो अब तुम देखो जब तुमने एक्स का वैल्यू 1 से 2 इंक्रीज किया, एक्स का वैल्यू तो तुमने इतना सा इंक्रीज किया थोड़ा सा 1 से 2, वाई का वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया देखो 50 से, वाई का वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ है 50 से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम यहां इस केस में क्या बोलोगे, अगर ऐसा ग्राफ आया वाई का टी के साथ, मतलब डीएलएनके का टी के साथ आता है, तो वहां ग्राफ क्या मिलेगा शार्पली डिक्रीज मिलेगा, मतलब ये लाइन जो है ना ये वाली एकदम से डिक्रीज कर जाएगी थोड़ी सी वैल्यू के ऊपर, वाई का वैल्यू एकदम, मान लीजिए यहां 50 था वाई का वैल्यू और एकदम कहा गया 13 पे आ गया जब वैल्यू इतना ही बढ़ा, तो एकदम ग्राफ क्या आएगा शार्प डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, शार्प डिक्रीजिंग ग्राफ, और यहां क्या था स्लोली डिक्रीजिंग ग्राफ था। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है तुमको? ग्राफ कैसा है हाइपरबोलिक ग्राफ है, ग्राफ कैसा है हाइपरबोलिक ग्राफ है, क्योंकि वाई एक्स इज इक्वल टू सी हाइपरबोला की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है कि नहीं है ये बात? बोलो यार सारे एक बार यस और नो बोलते प्लीज, एक बार यस और नो बोलेंगे कि ये टर्म तुमको ये जो मैंने समझाया है 50 लेके 1 से 2 किया, यहां देखो पहले ग्राफ में हमने एक्स स्क्वायर लिया था, मतलब मैं जब बढ़ा रहा था तो एक्स स्क्वायर की टर्म में बढ़ा रहा था 1 से 2, यहां मैं बढ़ा तो एक्स की टर्म में रहा हूं, फॉर्मूले में स्क्वायर की टर्म में बढ़ रहा है, ये बात सबको समझ में आएगी तभी तुम्हारा मामला बन पाएगा। बोलो यार जल्दी से बोल दो बस फटाफट से जल्दी से बोल दो, दोनों ग्राफ क्लियर हुए कि नहीं हुए? इस ग्राफ को देखो फिर,
ग्राफ नंबर थर्ड को, बी को देखो, बी वाले ग्राफ को, फॉर्मूला यही है साहब, डी एल एन के बाई डी टी, और क्या कह रहा है, वन बाई टी के रिस्पेक्ट में बनाना है, वन बाई टी के रिस्पेक्ट में। कैसे बनाओगे बोलो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू वन बाई टी का ग्राफ है तो इसको वन बाई टी का एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाय वन बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तीसरे ग्राफ को y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अब देखो वन बाय, अब देखो इसको वन बाय में नहीं लिखना क्योंकि इसने पूरा वन बाय टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहा है। क्या कर रहा है, यहां मेरे पास क्या है, डी है, ये वाली टर्म है और इधर वन बाय टी स्क्वायर है, तो ये वन बाय टी वाई है, वन बाय टी है, ये एक्स है ना कंप्लीट एक्स का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना, एक्स का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, इस ग्राफ के लिए ऐसा बना सकता हूं इक्वेशन। इधर देखो बाय में था तो इधर जा रहा था, इसने पूरा वन बाय टी लिया है, वन बाय टी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वेशन फॉर पैराबोलिक, पैराबोलिक इक्वेशन है कि नहीं है ये पैराबोलिक, और पैराबोलिक ग्राफ तुमको पता ही है कैसा होता है, तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कुछ इस टाइप का होता है, कैसा होता है इस टाइप से, तुमने देखा हुआ है ना ग्राफ, तो ये कैसा आएगा, ऐसा ऐसा, मतलब ये इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। बोलो यार ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, डी अपॉन डी टी एल एन के अपॉन वन बाई टी, ये ग्राफ किसका है, पैराबोलिक ग्राफ। ये दो हाइपरबोलिक ग्राफ थे और दोनों हाइपरबोलिक ग्राफ क्या थे, डिक्रीजिंग ग्राफ थे टाइम टी। अब देख लो ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होगा तुमको, जब टी देगा टी स्क्वायर देगा वन बाय टी देगा, बोलिएगा क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो यार फटाफट से एकदम से फास्ट, सबको क्लियर है ये वाला मामला, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन एक और कर लो। ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, ये भी हो चुका है, 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 ये रहता है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है अपना, ये भी हो चुका है, इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, जल्दी से बोल दो, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ए से बी से सी बन रहा है, सी से ए बी बन रहा है और लास्ट में अपने पास पी बन रहा है, इंटरमीडिएट तुमको पता चल चुका होगा क्या होगा। सर टी स्क्वायर वाला एक बार बता दो, सर टी स्क्वायर वाला एक बार बता दो, सर टी स्क्वायर वाला बता देते हैं, यही बता देते हैं। देखो तुमको बोला गया था डी एल एन, इस क्वेश्चन को करो जब तक सारे लोग, देखो ये था तुम्हारे पास डी अपॉन डी टी एल एन के और वर्सेस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और तुमको आर टी के, अब तुमको या ग्राफ ये वाला ग्राफ बोल रहे हो क्या तुम, इस टर्म के रिस्पेक्ट में वर्सेस टी स्क्वायर बोल रहे हो या वर्सेस टी बोल रहे हो, वर्सेस टी स्क्वायर, वर्सेस टी स्क्वायर एक था टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर वाले में देखो मेरे पास फॉर्मूला देखा तो डी अपॉन डी टी एल एन के ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर था, इसको मैं ऐसे, इस आर टी स्क्वायर को देखो, इसको वाई मान रहा हूँ, ए अपॉन आर है, इसको एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी आर हो गया, ये सारा कॉन्स्टेंट है जिसको मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, इसको मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया। सर स्टार्टिंग में एस एस ए वाला जो क्वेश्चन करवाया था प्लीज अगेन दोबारा बताना, कौन सा, कौन से वाला, ऑक्सीजन वाला या पहला ही पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला। अब देखो अगर मैंने इस एक्सिस पे वाई लिया, इस एक्सिस पे एक्स स्क्वायर लिया, अब देखो यहां मैं 101 लेके चल रहा हूं, टोटल वैल्यू मैंने 50 मानी, y की वैल्यू मैंने 50 मानी, x की वैल्यू मैंने कितनी मानी, 1 मानी, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, जब मैं x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखो 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, जब मैंने x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 बढ़ाई, x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 बढ़ाई, तो मैंने x स्क्वायर का वैल्यू बढ़ाया ना, यहां मैंने x एक्सिस पे x स्क्वायर लिया हुआ है, मतलब t स्क्वायर लिया हुआ है, तो यहां इसका वैल्यू कितना होगा, 25 होगा, मतलब एक नॉर्मल सा इंक्रीज आ रहा है ना, 50 से 25 हाफ वैल्यू डिक्रीज किया है। और इसी केस में अगर जब मैं यहाँ टी रखता हूँ, यहाँ वाई रखता हूँ सेम, तो तुम एक बात देखते हो, यहाँ एक्स रखता हूँ तो तुम यहाँ देखोगे कि यहाँ 1 से 2 बढ़ेगा, 2 से 3 बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, क्योंकि नीचे एक्स के रहा, फॉर्मूला तो यही बनेगा सेम, सो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास टी वाले केस में भी यही बनेगा, बट तुमको इस बार पता है कि तुम बढ़ा वैल्यू तो एक्स की रहे हो, तो एक्स की वैल्यू जब तुमने 1 से 2 किया, यहाँ 50 * 1 था स्टार्टिंग में, तो ये 50 था, जैसे ही तुमने एक्स की वैल्यू 1 से 2 की, x की वैल्यू तुमने 1 से 2 की, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 4 हो गई कि नहीं हो गई,
तो यहाँ वैल्यू 2 ना आके क्या आएगी, 4 आएगी, और 4 आएगी तो ये वैल्यू बहुत घट जाएगी तुमको पता है, और घटेगी तो तुमको पता है 1 में 25 आ रही थी, टी एक्स स्क्वायर लिया हुआ था, टी स्क्वायर लिया हुआ था, तुमको क्या मिल रहा था 50 से एकदम 25 आ रहा था, और इस ग्राफ में 50 से कहाँ आ रही है वाई की वैल्यू, एकदम 13 पे आ रही है। इसलिए मैंने बोला इसमें शार्प डिक्रीज होता है, इसमें स्लोली डिक्रीज होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, बोलो भैया यार, जो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है सबको, टी स्क्वायर वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, टी स्क्वायर में लीनियर डिक्रीज होगा क्योंकि मैं वैल्यू टी स्क्वायर की बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ग्राफ क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर मैं x स्क्वायर की टर्म में वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और अगला बार मैं बोल रहा हूं x स्क्वायर का वैल्यू 2 है, एक मेरे पास ऐसा है कि मैं बोल रहा हूं x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, उस केस में एकदम y का वैल्यू घटेगा। बोलो जल्दी बोलिएगा साहब, जल्दी से फास्ट आंसर कर दो आप, क्लियर हुआ इसका आंसर कर दो, फिर जल्दी से स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इसका कर दो आंसर, इसका आंसर कर दो जल्दी से। करो भाई इसका आंसर करो, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन का आंसर करो, दिखाई दे रहे होंगे सिंबल, पहले रिएक्शन के लिए कांस्टेंट के वन दिया हुआ तुमको, दूसरे के लिए के वन डैश दिया हुआ तुमको, तीसरे के लिए के टू दिया हुआ तुमको, फाइनल के लिए के टू दिया हुआ तुमको। जल्दी बोलो क्या होगा, चलिए जी देखिएगा, तुम नहीं करने का हमको करने का, तुम नहीं करने का हमको करने का। देखो भाई साहब अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूं तो फाइनल स्टेप से लिख दूंगा, क्योंकि ये ए बी सी बन रहा है, फिर सी बी में टूट रहा है ए बी में, तो बी सी क्या है इंटरमीडिएट है ना, सी क्या है इंटरमीडिएट है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में पी है प्रोडक्ट है और ए और बी रिएक्टेंट है, और मैं रेट लिखूंगा तो रेट क्या आ रहा है मेरे पास, के टू आएगा, क्योंकि फाइनल रेट तो क्या है के टू है कंसंट्रेशन ऑफ सी, और मुझे सिर्फ सी का कंसंट्रेशन निकाल के वैल्यू पुट करना है, और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एस एस ए क्या कहता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, सी यहां बन रहा है इस रिएक्शन में, सी बन रहा है पहली के अंदर, क्या है कांस्टेंट के वन है, तो मैं लिखूंगा के वन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, बनना ए और बी के कंसंट्रेशन पे। डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इसमें सी टूट रहा है इसमें भी सी टूट रहा है, कॉन्स्टेंट क्या है के वन और सी है, साथ में क्या है के वन डेस और सी है, क्लियर है, तो यहां से सी कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बना के वन प्लस के वन डैश बन गया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है भाई, तुमको देख लिया होगा तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा, यहां से सी का वैल्यू निकालता हूं तो सी का वैल्यू निकल गया मुन्ना के वन, मेरे पास के वन ए इंटू बी, और डिवाइड बाय में क्या है के वन प्लस के वन डैश, और यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, ये सी का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास यहां सी का वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बनेगा के टू तो ऑलरेडी है, एक के वन वहां से आ रहा है, ऊपर में ए आ रहा है और बी आ रहा है, और नीचे में क्या आ रहा है के वन आ रहा है प्लस के वन डेस आ रहा है, ये वाला तुम्हारा कहां मैच कर रहा है उसको देख लो भाई साहब, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का सीएसआईआर नेट के अंदर। बताओ सब मुन्ना लोग का आंसर ए आ रहा है, ए ए ए ए सबका ये आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बोल दो क्या ये मामला क्लियर है सबको, बोले यार हाँ जी बोलिएगा, कुछ और भी कोई ग्राफ बचा हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार कोई ग्राफ और तुमको करवाने लायक है क्या भी, अच्छा एक और रुको, यूनिट ऑफ ए क्या होगा, यूनिट ऑफ ए सारा इक्वेशन हो गया, अभी तो एक चीज रहती है वो बतानी तुमको, यूनिट ऑफ ए, ए का यूनिट बताओ, ए का यूनिट यही कर लेते हैं, यही यही यूनिट ऑफ ए इसी को कर लो, यही यूनिट ऑफ ए कौन बताएगा मुझको, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए एक्सपोनेंशियल पैरा जो प्री एक्सपोनेंशियल पैरामीटर है उसका ए, यूनिट ए, यूनिट क्या आएगा यूनिट, यूनिट बी आंसर, बी क्या यूनिट, यूनिट ऑफ ए, ए का यूनिट बता दो क्या आएगा, अभी कल की क्लास जो होगी उसके अंदर पता क्या करेंगे,
एडवांस काइनेटिक्स टेम्परेचर का एक क्वेश्चन आया हुआ उसको करेंगे सर प्लीज फॉर्म नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को ऐसे ही कलर से मत लाओ बट ब्लर है क्वेश्चन स्क्रीन, ब्लर है क्वेश्चन स्क्रीन, दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये प्रॉब्लम सबको फेस हो रही है ब्लर वाली? एक मिनट में देख लेता हूँ मेरे वाले में चलाकर, क्या क्वेश्चन ब्लर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन तो साफ दिखाई दे रहा है। तुम कितने, तुमने वो चेंज किया होगा ना, वीडियो हाई क्वालिटी पे नहीं होगा फिर यहाँ तो तुम्हारा। यूनिट ऑफ ए बताइएगा, क्या ये प्रॉब्लम सबको ये कलर वाला बोलिएगा एक बार सभी, क्या ये क्वेश्चन कलर में लेके आना सही नहीं है क्या? बोलिएगा मुन्ना लोग जल्दी से, यूनिट ऑफ ए बताइएगा मुझको, यूनिट ऑफ ए। मेरे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो, फास्ट फटाफट से फास्ट बोल दो। यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर, ओके। अच्छा ये वाला कलर कह रहे हो क्या? ये रेड वाला शो नहीं होता, ये तो कंफर्म है, ये रेड वाला तो शो नहीं होता, ये तो है। ब्लैक पे रेड थोड़ा सा सही नहीं दिखाई देता, ब्लर है सर। ओके जी, ओके जी, ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। अब जल्दी से बताइएगा मेरे को, इसका यूनिट बता दो, ए का यूनिट बता दो, ए का यूनिट क्या होगा सर? जल्दी से फटाफट से बोल दो यार, काफी देर हो गया, अभी बहुत क्वेश्चन कर लिया है, बहुत सी चीजें सीख लिया, इससे बाहर नहीं आएगा। तुमने देख लिया होगा ना क्वेश्चन कितना सिंपल आता है आर इक्वेशन का और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड आर इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर ना, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी एक नंबर होता है, तुमको पता है एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होती है? नंबर होता है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, यहां जो भी वैल्यू होगा वो यूनिट होगा, एक नंबर होगा, नंबर होता है एक्सपोनेंशियल की पावर नंबर, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है वो, क्या होता है? यूनिटलेस, यूनिटलेस। और अगर ये यूनिटलेस है तो तुमको पता है जो यूनिट के का होगा वही किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा, और ए का यूनिट कितना हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या हर्ज बोल दीजिए, सेकंड इनवर्स या हर्ज में, आ रही है बात समझ में? ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बोलो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं इसी को, इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसका यूनिट जो है वो हर्ज आ रहा है, इसी वजह से इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर है ये वाली बात? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो साहब, क्लियर हो गया मामला तो एकदम से सबको। लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर होता है साहब जी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स होगा सिंपल, क्योंकि जीरो ऑर्डर में होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। तुमको पता है पहले वन माइनस एन, एन माइनस वन ऐसे करके निकालते हैं, वन माइनस एन, एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। अगर मैं वन की वैल्यू, एन की वैल्यू वन रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, मोल भी जीरो हो जाएगा। होता क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और लीटर में क्या होता है? वन माइनस एन, एन माइनस वन। तो जब यहां जीरो, यहां वन पुट किया जाएगा एन का वैल्यू, तो जीरो हो जाएगा ओवरऑल, तो लीटर और मोल कट जाता है फर्स्ट ऑर्डर में, और यहां क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा वैल्यू। और आपको मैं बता देता हूं आज शाम की क्लास के बारे में, 3 बजे हम मिलेंगे बायो इनऑर्गेनिक के साथ, एक टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक का फिर खत्म करेंगे आज की क्लास के अंदर। कल हमने क्या डिस्कस किया था? विटामिन B12 के बारे में। आज हम डिस्कस कर लेंगे एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक को खत्म कर देंगे आज बायो इनऑर्गेनिक का विद क्वेश्चंस। इसके अलावा 6 बजे आज मैं मिलूंगा स्पेशल क्लास पे, एरोमेटिसिटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, एरोमेटिसिटी का लेक्चर नंबर 1 होगा ये, स्पेशल क्लास के ऊपर एरोमेटिसिटी लेक्चर नंबर 1। क्लियर है? मिलेंगे ऐप के ऊपर, 3 बजे मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, और 6 बजे मिलेंगे ऐप के ऊपर, और 12 बजे तुमसे मुलाकात हो गई है काइनेटिक्स को लेके, फिजिकल केमिस्ट्री को लेके। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई भी मुन्ना लोग बेझिझक अपना सवाल रख सकता है। बोलिएगा,
चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, ओके टाटा।